हेलो गाइस, कैसे हो? आज का नई वीडियो लेके तो गाइस आज मैं खेल रहा हूँ कोर सर्कल सोलो वर्सेस कोड। और इस वाले गेम में काफी सारी तबाही है, क्लचेस हैं, तो भाई मजा आएगा आपको देख के। और हाँ गाइस, मेरे सेकंड वाले चैनल पे फेस कैम के साथ GTA Vice City रिमास्टर, जो कि बहुत तगड़े ग्राफिक्स के साथ है, उसकी पूरी स्टोरी मैं खेलूंगा फेस कैम के साथ, तो यार मजा आएगा आपको देखने में। तो यार उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना किसी ने अब तक नहीं करा तो, और जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उस वाले चैनल के, आप काफी दिन से कहते भाई उस पर वीडियो डालो, तो यार आ चुके हैं वीडियो, तो जाके चेक कर लेना। आज शाम तक या कल सुबह तक मैं वीडियो को डाल दूंगा। तो यहाँ पे गाइस लैंडिंग करता हूँ मैं फटाफट, और भाई उतरते मिलते मेरे को M4 सामने थे बंदे। एक को मैं नोक कर देता हूँ, एक भग जाता है जिसको गन मिल चुकी है, अब वो हेम लेने लगा होगा मेरे पे। लेकिन हाँ ऊपर से मेरे को क्या मस्त एंगल मिलता है भाई, बंदे को मैं लपेटता हूँ जल्दी से, दोनों खत्म करता हूँ, फिर यहाँ पे लूट करता हूँ, नीचे फुटस्टेप्स आए वहाँ पे चलता हूँ। फिर तो यहाँ पे मेरे को फुटस्टेप्स आ गए थे, एक बंदा इधर है, तो बेचारा लूट वूटी करने में लग रहा था अभी, तो इसको मैं नोक कर देता हूँ। दो इसके टीममेट दिखे मेरे को सामने, तो उन्हें भी लपेटने का प्लान था, लेकिन यहाँ से शायद एंगल मिलेगा अब। तो यहाँ पे कैसे मैं करता हूँ, थोड़ा सा एंगल बदलता हूँ और फिर निपटाते हैं इन वाले बंदों को। बंदा दिख चुका था मेरे को, उसने मेरे को देख लिया, तो अब इसको नोक करता हूँ। अब यार एक और बंदा भी मेरे को दिखा था, तो इसका मतलब एक ही बंदा होगा, इनका ज्यादा से ज्यादा दो हो सकते हैं, तो यार मैं घुस जाता हूँ कि जो होगा देखी जाएगी। और यहाँ पे एक स्मोक करता हूँ जाने से पहले, जिससे कि बंदा यार एम वेम ना ले पाए मेरे ऊपर। और लेकिन मैं थोड़ा साइड में आ गया था एंगल चेंज करके, लेकिन भाई बच जाता हूँ मैं यहाँ पे, प्रोलिन शूट करता हूँ, बच जाता हूँ। और यहाँ पे यार खत्म कर देता हूँ बंदे को। तो यहाँ पे क्या, सबसे पहले तो मैं हीलिंग मारूंगा अंदर जाके, बाहर रह के नहीं कर रहा मैं, पता चला भाई कोई रिस्पॉन वगैरह होगा दिक्कत कर देगा। तो गाइस जुलाई हमारे लिए लाने वाला है बहुत सारे वैरायटी के क्रिकेट मैचेस, जो कि डेफिनेटली आपको विनिंग की तरफ ले जाएगा। वी आर एक्सपेक्टिंग ए लॉट ऑफ इंडियन गेम्स, जैसे कि T20 और इंटरेस्टिंग टेस्ट मैचेस विद द पार्टिसिपेशन ऑफ श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान। तो इसलिए गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा 1x बेट के बारे में। यहाँ पे आप स्पोर्ट्स पे बेट कर सकते हो, मैच के रिजल्ट्स देख सकते हो, और ऑनलाइन गेम्स खेल के काफी सारा पैसा जीत सकते हो। और सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर्स को मिलेगा 26,000 का बोनस उनके फर्स्ट डिपॉजिट पे। आप अपने पैसे इजीली विड्रॉ भी कर सकते हो पेटीएम बैंक और अदर मेथड से। तो हाँ यार, अगर आपको इन सब चीजों में इंटरेस्ट है तो आप इसको ट्राई करके देख सकते हो, लिंक आपको मिल जाएगी पिन कमेंट में। तो यहाँ पे कैसे मेरा प्लान था यहाँ से निकलूं, लेकिन आते मेरे को बग्गी की साउंड, और भाई ये कहां से प्रकट हो गया भाई, मतलब यार गायब वाला सीन क्या है ये, बग्गी का ग्लिच आज तक इन पे फिक्स क्यों नहीं हो रहा भाई, मेरे को नहीं पता यार, मतलब फिक्स करना चाहिए यार, इतने दिन हो गए, मतलब बंदे गायब होकर चला रहे हैं भाई बग्गी, मतलब हद है यार। खैर भाई सब लूट करता हूँ और भाई निकलते हैं फिर यहाँ से। तो यहाँ पे गाइस फिर मैं पोचिंग की मैं आया था, और भाई यहाँ पे मेरे को फुट सबसे, तो मैं रोकता हूँ गाड़ी। लपेटता हूँ बंदे को और भाई निकल लेते हैं। तो यहाँ पे गाइस फिर मैं गटका की तरफ आया था, क्योंकि भाई कहीं बंदे नहीं मिल रहे थे, तो हार तक के यहाँ पे आना पड़ता है। फायरिंग की साउंड आ चुकी थी, फुटस्टेप भी आ गए, बंदा दिख भी गया, तो भाई लपेटते हैं। बंदा देता है फ्री फायर, लेकिन मैं फिर घुस के निपटाता हूँ बंदे को, मतलब वो भी आ रहा था मैं भी जा रहा था, लेकिन मैं बच जाता हूँ यहाँ पे, वो मर जाता है। तो यहाँ पे गाइस मेरे को गाड़ी की साउंड आई, कोई मेन वाली बिल्डिंग में आ चुका है यहाँ पे गटका में, तो देखना पड़ेगा उसे भी। और भाई आए मेरे को फुटस्टेप्स, तो नोक करता हूँ बंदे को। और फिनिश भी कर देता हूँ इसे मैं। फिर यहाँ से कैसे मैं निकल लेता हूँ। और अगेन गाइस यहाँ पे आती है मेरे को बग्घी की साउंड, और फिर से कोई गायब होकर चला रहा है, मतलब भाई क्या मजाक है ये। मतलब इन बंदों को ये भी डर नहीं भाई, बैन वैन हो जाएंगे। यहाँ पे गाइस अब बंदे को तो मैं क्या ही मारता, बग्घी फोड़नी पड़ेगी मेरे को, तो पहले तो मैं टायर फोड़ देता हूँ जिससे बंदे की स्पीड कम हो जाए, और फिर बग्घी को ही फोड़ देते हैं। तो यहाँ पे यार फाइनली बंदे को लपेटता हूँ मैं, बंदा कहूँ या भूत कहूँ इसे मेरे को नहीं पता यार, मतलब क्या गायब वायब होकर चला रहे भाई बग्घी। यहाँ पे गाइस फिर सामने किसी ने फ्लेयर मंगाई थी, तो मैं इधर की तरफ इसलिए आया था, और यहाँ पे लपेटता बंदों को। डैमेज दिया बंदे को मैंने यहाँ पे, और फिर नीचे कूदता हूँ क्योंकि एक बंदा मेरे पे हिम ले रहा था। डीपी वैसे थी भाई उस पे, आता बंदा रश मारने,
लेकिन उसने गलती कर दी भाई, ऐसे ओपन से बिल्कुल नहीं आना चाहिए। मतलब मैं भी कई बार ये गलती कर चुका हूँ और मैं लपेटा गया हूँ, तो इसलिए ये वाली गलती बिल्कुल मत करो। तो यहाँ पे कैसे कार भी दिखी मेरे को, तो मेरा प्लान था कि मैं निकल लेता हूँ यहाँ से, लेकिन फायरिंग चल रही थी साइड में। तो पहले तो यार मैं गाड़ी चेंज करता हूँ क्योंकि मेरी वाली का तेल खत्म हो चुका था, वो बंदे फायरिंग में बिजी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी। फिर गाड़ी उठा के रश मार देता हूँ जहाँ फायरिंग चल रही थी वहाँ पे, कि भाई थर्ड पार्टी करके किल मारते मस्त। अब ये फोकट का किल मिलता मेरे को, दूसरे को भी डैमेज दिया, एक बंदा यहाँ पे कहीं है आसपास तो उसे लपेटता हूँ पहले, पूरा खत्म करता हूँ इसे। फिर गाइस लास्ट ही बंदा बचा इनका, तो उसके लिए वेट करूंगा हल्का सा। आते फुटस्टेप्स और मेरे को लगा यहां से आएगा बंदा, लेकिन बंदा आता सामने से और बंदे को पूरा खत्म कर देता हूँ। लेकिन भाई ये बंदा मेरे को खतरनाक डैमेज दे चुका था भाई, इस कार एक तो बहुत खतरनाक चलती है, पता नहीं क्या सीन है ये। तो यहाँ पे गाइस फिर मैं हीलिंग मारता हूँ और भाई निकलते हैं जोन में। तो यहाँ पे गाइस फिर मैं जोन में जा रहा था, सामने ड्रॉप थी लेकिन साइड से कोई फायरिंग पड़ती है मेरी गाड़ी पे, तो गाइस इसलिए मैं पहाड़ी पे जाता हूँ जहाँ से फायरिंग आई थी। वहाँ पे गाड़ी दिख चुकी थी मेरे को एक खड़ी थी, और यहाँ पे देखना थोड़ा सा मैं दूर ही रहता हूँ कि भाई यहाँ से AWM का फायदा लूँ थोड़ा सा, फिर जाकर रश मारूंगा बंदों पे। और क्या ही हेड छोड़ता गाइस, लाइक मार दो अब तक नहीं मारी आपने। तो यहाँ पे गाइस जल्दी से मैं रश मारने लगता हूँ फिर वाले बंदों पे, इससे पहले कि भाई वो के मेरे को लपेटते। यहाँ पे गाइस हल्की सी रिस्क थी लेकिन क्या कर सकते हैं, मतलब इससे अच्छा मौका नहीं मिलता। और यहाँ पे गाइस मैं नेड फेंक देता हूँ कि भाई एक से ज्यादा बंदे हो तो नेड संभाल ले। और बंदा भाई एमके लेकर बैठा था लेकिन बच जाता हूँ मैं यहाँ पे, लास्ट वाला था यहाँ पे लपेटता हूँ इसे। तो यहाँ पे गाइस इन दोनों को लपेट के भी निकल लेता हूँ फिर यहाँ से। तो यहाँ पे गाइस फिर मैं जोन में आता हूँ, और भाई देख रहा था कि भाई कोई जोन वोन मारने की ट्राई कर रहा हूँ कहीं से, और बंदा मेरे को दिखता है। तो यहाँ पे गाइस स्प्रे देते हुए मैंने कुछ ज्यादा ही जिगल कर दिया था, काफी एम मतलब चूक गया था। लेकिन यहाँ पे मैं इसलिए कर रहा था ये क्योंकि हो सकता है भाई इसका टीममेट हो या कोई और हो, भाई मेरे को ना लपेट दे। क्या यहाँ पे गाइस फिर मेरे को साउंड आई आगे से, कोई फायरिंग दे रहा था, और यहाँ पे यार काश चिपक जाता लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पे इसको मैं एक बॉडी शॉट देता हूँ और फिर गाइस वेट करता हूँ इसके आने का, और बंदा आने की सोच ही नहीं रहा था और सोचता भी तो शायद से भागता ही है। तो मैं सोचता हूँ भाई M4 लेते हैं, मतलब AWM नहीं। मैं बंदे को मैं लपेट देता हूँ, बच्चा सिर्फ लास्ट ही बंदा, और देखना मेरे साथ क्या होने वाला है। फायरिंग आई तो बंदे का मेरे को पता चल गया भाई ड्रॉप के आसपास है, तो पहले मैं देखता हूँ इधर से एंगल मिले। और भाई बंदे की सिर्फ खोपड़ी दिख रही थी, तो बॉडी शॉट कैसे लग गया मेरे को नहीं पता। खैर यहाँ पे यही एक मौका था मेरे पे, क्योंकि अब जो होने वाला है वो दिक्कत होने वाली है, देखते जाओ। खैर मैं यहाँ पे आता हूँ पहले तो, क्योंकि यार मेरे पास जोन नहीं बनी थी और जोन पेर को फिर से धोखा दे गया, आगे देखते जाओ। तो यहाँ पे गाइस मैं करता हूँ भाग के ना पहले इधर आ जाता हूँ, मतलब थोड़ा सा और नजदीक, जिससे कि भाई जोन के अंदर रहूँ मैं। अब यहाँ पे गाइस मैं काफी ट्राई करता हूँ लेकिन यार बंदा कैम मार के बैठ गया था, और फिर यहाँ पे जोन आ जाती है। तो यहाँ पे गाइस मेरी हेल्थ पहले गिरानी शुरू हुई है और मेरे पे तीन ही फर्स्ट एड थी, तो मेरे को पता था यहाँ पे मैं हार सकता हूँ, तो इसलिए मैं रश मारने की सोचता हूँ।
और दिक्कत हो जाती है भाई, क्योंकि ऑब्वियसली यार बंदे पे एडवांटेज था यार, मेरे पास जोन भी नहीं थी, जोन भी हेल्थ खारी थी, और फिर ये भैया जी तो लपेट ही रहे थे सामने से कवर में होके। तो गाइस आज वाली वीडियो में अगर आपको वीडियो पसंद आई तो भाई लाइक मार दो, सब्सक्राइब कर लो नेक्स्ट वाले चैनल पे, मैं भी तो कुछ नेक्स्ट वाली वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइस। और हाँ गाइस, मेरे सेकंड वाले चैनल पे फेस कैम के साथ GTA Vice City रिमास्टर जो कि बहुत तगड़े ग्राफिक्स के साथ है, उसकी पूरी स्टोरी मैं खेलूंगा फेस कैम के साथ, तो यार मजा आएगा आपको देखने में। तो यार उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना किसी ने अब तक नहीं करा तो, और जो पुराने सब्सक्राइबर्स उस वाले चैनल के आप काफी दिन से कह रहे थे भाई उसमें वीडियो डालो, तो यार आ चुके हैं वीडियो, तो जाके चेक कर लेना आज शाम तक या कल सुबह तक मैं वीडियो को डाल दूंगा।